पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे भूल। ये हर किसी की जिंदगी की हकीकत है और मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। कल देश के राष्ट्रवादी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हुआ और रोहित सरदाना के निधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया। उनके समर्थन में भी लोग उतरे तो उनके खिलाफ जो उन्हें नापसंद करने वाले लोग थे वो भी इस जंग में आमने सामने हो गए। और इसमें जो राष्ट्रवादी चैनल हैं उन्हें एक समुदाय को कोसने का पूरी तरीके से मौका मिल गया। आप सोचिए कि जिस आज तक के चैनल पर कर पूरे दिन रोना चलता रहा, जो एंकर सामने बैठ बैठ करके रोते रहे, फोन कॉल पर रोने का सिलसिला हर किसी का जारी रहा, यही तमाम साथी चैनल्स पर भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिली। पर मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि 11:20 पर रोहित सरदाना का निधन होता है और तकरीबन 2 बजे जो सबसे तेज होने का दावा करता है आज तक, वो 2 बजे इस खबर को ब्रेक करता है। आखिरकार क्या वजह थी और जैसे ही रोहित सरदाना का निधन हुआ उस दौरान चैनल पर क्या चल रहा था, उसको भी देखना और समझना जरूरी है। आखिरकार किसकी दबाव के कारण रोहित सरदाना, जो कि जानी मानी हस्ती है, देश के बड़े एंकरों में शुमार हैं, अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए उन्हीं के चैनल पर 1.5 घंटे का समय क्यों लगा, ये देश लगातार सवाल कर रहा है। और उस दौरान जो आज तक के चैनल पर बैठ करके चल रहा था उसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने करोड़ों लोगों की जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। इस खतरनाक संक्रमण से किसी भी वर्ग का इंसान बच नहीं पा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के चौंकने वाले आंकड़े हर दिन देखने को मिल रहे हैं। अब खबर सामने आई कि टेलीविजन पत्रकारिता जगत के जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। बीते कुछ दिनों से रोहित सरदाना की तबीयत खराब चल रही थी, वो कोरोना संक्रमित थे। ट्विटर के जरिए उन्होंने ये लोगों को जानकारी दी थी ठीक 5 दिन पहले, और इस बीच लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी था। और रोहित सरदाना जो खुद कोरोना से पीड़ित थे, जो भी लोगों के मदद के कॉल उनके पास आ रहे थे वो उनके स्क्रीनशॉट अपनी वॉल पर उनके बारे में लिखते भी नजर आ रहे थे। पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि आज तक को जो सबसे तेज था उसे 1.5 घंटे का समय क्यों लगा, और जब रोहित सरदाना का निधन हुआ तो कहा जा रहा है कि सरदाना को हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हुई। रोहित सरदाना के निधन की खबर सामने आते ही मीडिया जगत तो शोक की लहर दौड़ गई। इस मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने आज तक को पूरी तरीके से बेनकाब किया है और सवाल भी खड़े किए हैं। रोहिणी सिंह ने लिखा कि क्या आज तक न्यूज चैनल आप भी एग्जिट पोल कवरेज को रोकेगा? कोरोना संक्रमण की वजह से न्यूज चैनल के स्टार एंकर का दुर्भाग्यवश निधन हो गया है। आज तक न्यूज चैनल में बतौर एंकर काम कर रहे रोहित सरदाना की मौत की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। आज तक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल में रोहित सरदाना एंकरिंग किया करते थे। पत्रकारिता जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने रोहित सरदाना के निधन की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि ये बहुत ही दुखद है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मीडिया जगत से जुड़ी कई हस्तियां उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। रोहित सरदाना के निधन के बाद सबसे ज्यादा हैरान भरी प्रतिक्रिया चैनल आज तक की रही, जिस पर घंटे भर ना तो कोई खबर दिखाई गई, ना तो किसी तरह की संवेदना व्यक्त की गई, बल्कि टीवी चैनल पर एग्जिट पोल चलाया जा रहा था और वेबसाइट पर चटपटी खबरें लगाई जा रही थी। इतनी बड़ी खबर के बाद इस तरह की संवेदनहीनता इस बात की पुष्टि कर देती है कि बाजारवाद में इंसानों के जीवन की
कोई कीमत नहीं है, चाहे गुजर जाने वाला शख्स वही हो जिसने अपने जीवन में कई साल उसी बाजार के सेट पर आग लगाई हो। आप सोचिए कि जिस प्लेटफॉर्म पर रोहित सरदाना काम करते थे, 1.5 घंटे 2 घंटे का समय लगा रोहित सरदाना के बारे में बताने के लिए, और जब 2 बजे के बाद ये खबर लोगों के सामने आई तो उसी दौरान चित्रा त्रिपाठी और उनके साथी एंकर्स कैमरे के सामने ही रोते बिलखते नजर आए। हालांकि दोस्ती थी, दोस्त का जाना हर किसी को अखरता है, पर इस दोस्ती पर भी लोगों ने सवाल पूछा और जिस तरीके से रोना चल रहा था उस पर अनप्रीत कौर जो कि एक यूजर्स हैं वो लिखती हैं, शेम ऑन यू आज तक चैनल, यू आर ट्राइंग टू गेट टीआरपी फ्रॉम दी रोहित सरदाना, वेरी शॉकिंग, यू कैन स्टॉप शोइंग ऑल एंड जस्ट डिस्प्ले रोहित सरदाना फोटो विद दीवा 4 1 आर, आज तक सबसे घटिया चैनल है। ये भी इसके साथ साथ चलने लगा। और अब बात की जाए कि जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, अगर रोहित सरदाना के जो शो दंगल में सारी चीजें दिखाई जाती थी उससे लोग आहत थे, जिसमें अगर बात की जाए दंगल नागरिकता का घमासान अब हिंदू मुसलमान, तो वहीं रोहित सरदाना का एक शो अब मुस्लिम मुक्त होगा भारत, इसको लेकर के भी लोग आहत थे। और सबसे बड़ी बात जो रोहित सरदाना ने हजरत आयशा के बारे में जो गुस्ताखी की और जो बातें लिखी उससे लोग आहत थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मौत हो जाए और उसका जश्न मनाना शुरू कर दें, क्योंकि तमाम जितने भी मुस्लिम नाम वाले हैं वो लोग हंसी ठिठोले करते हुए रोहित सरदाना की फोटो को लगा करके तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए। आप एक स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें रोहित सरदाना अपनी दोनों बच्चियों के साथ हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, रोहित सरदाना ने जो किया जो नहीं किया उनकी सजा ऊपर वाला तय करेगा, और जब वो जीते जी आप उनका कुछ नहीं कर पाए, तमाम बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की तब आप उनसे सवाल नहीं कर पाए, मरने के बाद इस तरह की बेतुकी बातें लगातार सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं। ये बच्चियों की तस्वीर को देखें और जो आप कर रहे हैं ये चीजें उनकी नजरों में जाएंगी तब वो आपसे नफरत करना सीखेंगी। हमारा काम नफरत को बढ़ावा देना नहीं है, हमें नफरत को जड़ से खत्म करना है। इन बच्चियों के वास्ते जो भी बेतुकी बातें लिखी जा रही हैं उन्हें फौरन हटाया जाना चाहिए और साथ ही साथ इसे रोक भी देना चाहिए। इस पर मैं ही नहीं तमाम लोग सवाल कर रहे हैं जो रोहित सरदाना की मौत पर जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें इसमें एक शख्स राम कुमार सिंह लिखते हैं, मैंने कभी रोहित सरदाना का शो नहीं देखा, कभी गलती से चलाया चल भी गया तो 2 मिनट से ज्यादा झेल नहीं पाया। नफरती पत्रकार ने इस देश का बहुत नुकसान किया है, उसमें रोहित के अपराध कम नहीं होंगे। वो महान पत्रकार नहीं थे बल्कि मेरे लिए वो पत्रकार भी नहीं थे, इसके बावजूद ये रोहित के जाने की उम्र नहीं थी, उन्हें और जीना था, दुनिया को देखना था और एक दिन आत्मबोध लेकर भारत के नागरिकों से अपने अपराधों के लिए माफी मांगनी थी, लेकिन मृत्यु हम सबके सिर पर नाच रही है, वे बस हमें उठाने को ताक रही है। उसकी रोहित पर नजर पहले पड़ गई, उनके परिवार को उनकी जरूरत थी, बहुत बुरा समय है। मीडिया के गिद्ध अपने साथी की मौत के बावजूद सरकारी भांड बने रहेंगे, अंधेरा और बुरा समय चल रहा है। रोहित सरदाना को विनम्र श्रद्धांजलि। लगातार लोग इस तरीके की बातें लिखते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं आपको बता दें कि जो जश्न मना रहे थे उनके लिए भक्त अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें देशो दिस टू हाइड दिस रोहित सरदाना आज तक हैशटैग चलाया गया, और इसी के साथ साथ खिंजीर शब्द को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया। तमाम मुस्लिमों ने जो जो पोस्ट किए उसे सोशल मीडिया के जरिए सामने रखा गया। इसी पर
जो नफरत भरा माहौल चल रहा था, शायर शहजादा कलीम ने तमाम लोगों के ऊपर सवाल भी खड़े किए और एक बात को साझा भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, हर नफ्स की मौत का मजा चखना है, यही हकीकत है। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का अचानक इस दुनिया को अलविदा कह देना यकीनन सबको हैरान कर गया। अल्लाह उनके छोटे छोटे बच्चों को सब्र दे। नौजवान किसी की मौत का मजाक उड़ाना ये इस्लाम के खिलाफ है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम सोशल मीडिया पर किसी की मौत का मजाक उड़ाओ? क्या तुम भूल गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्या? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, उनके साथ कोई न कोई दस्तरखान पर जरूर होता था। एक दिन कोई नहीं था साथ खाने के लिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गली से गुजर रहे एक शराबी जो इस्लाम को नहीं मानता था, उसे बुलाया और उसके साथ खाना खाना शुरू किया, तो कहा बिस्मिल्लाह पढ़ लो। शराबी ने कहा नाउज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह को नहीं मानता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो, शराबी यही कहता रहा नाउज़ु बिल्लाह। ये देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बात पर गुस्सा आ गया और उस शराबी को बगैर खाना खिलाए वापस जाने के लिए कह दिया। जब शराबी जाने लगा, तुरंत अल्लाह ने जिब्रिल अलैहिस्सलाम को भेजा और हुक्म दिया, जाके कह तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, वो शराबी शख्स की उम्र 70 साल है, वो मुझे अपना रब नहीं मानता, फिर भी मैं उसे 70 सालों से खाना खिला रहा हूं। और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे एक वक्त नहीं खिला पाया। वो हमें नहीं मानता, ये हमारा और उसके बीच का मामला है, कह दो कि उसे बुलाकर खाना खिलाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस हुक्म पर कांप उठे और फौरन उस शराबी को बुलाकर अपने साथ खाना खिलाया। नौजवानों, जब अल्लाह एक अपने महबूब नबी से खाना ना खिलाने की नाराजगी जाहिर करता है, हमारी आपकी क्या हैसियत है? हमें कोई हक नहीं है कि अल्लाह के किसी बंदे की मौत का मजाक उड़ाया जाए। ये बातें शहजादा कलीम ने लिखी हैं और ये यकीनन जो चीजें कल हुई वो गलत थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, और जो आज तक का एक प्रोपेगेंडा चला उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।